नमस्कार मित्रों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वस्तिक मैक का थंबवेल काउंटर है, प्रेसेटेबल थंबवेल काउंटर जो कि 5 डिजिट में है। तो इसका सेटिंग कैसे करना है और इसका कनेक्शन कैसे करना है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिस्प्ले में आप देख रहे हो कि नीचे थंबवेल में आपको 5 थंबवेल दिया हुआ है जो कि आपका सेट पॉइंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो जाएगा। ऊपर वाले डिस्प्ले में आपको जो काउंटिंग है वो आपको मिल जाएंगे। रिसेट का बटन यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है और यहाँ पे रिले का इंडिकेशन दिया हुआ है। कनेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर पे आपको लाइन न्यूट्रल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लाइन न्यूट्रल लगाना है। 7 नंबर 6 नंबर और 5 नंबर NC कॉमन और NO दिया हुआ है। दूसरी जात के स्टिकर के अंदर आपके प्रॉक्सिमिटी के कनेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको प्रॉक्सिमिटी का जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आपका NPN है तो 8 नंबर 9 नंबर और 11 नंबर यूज़ करना है, और PNP है तो आपको 8 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर यूज़ करना है। अगर आपको लिमिट स्विच या पुश बटन से आपको उसको पल्स काउंटिंग करवाना है तो आपको 9 नंबर और 11 नंबर यूज़ करना है। बैक साइड रिसेट के लिए अगर आपने कोई पुश बटन यूज़ किया हुआ है तो आपको 11 नंबर और 12 नंबर पे आपको पुश बटन कनेक्ट कर होगा जो कि रिसेट के लिए यूज़ हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका पैरामीटर कनेक्शन को कैसे करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने कनेक्शन सेट किया हुआ है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जिसके 3 केबल मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये पॉजिटिव है 12 वोल्ट, ये उसका पल्स है इनपुट, और ये नेगेटिव ग्राउंड हो गया आपका। तो ये कलर कोड के हिसाब से भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको कनेक्ट करना है। अब इसको पावर ऑन करके मैं आपको उसके प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर ऑन करते ही आपका ये डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेट पॉइंट डालना है 10 नंबर 11 नंबर, जो भी आपको यहाँ पे सेट पॉइंट डालना है वो आपको यहाँ से वो थंबनेल के अंदर सेट कर देने के है। यहाँ से आपको सेट पॉइंट सेट करना है। एक बार रिसेट, अभी प्रॉक्सिमिटी से आप पल्स दोगे तो यहाँ पे आपका ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका रिले ऑन हो गया है। जैसे ही सेट पॉइंट अचीव हो जाएगा आपका रिले ऑन हो जाएगा, यानी कि इंडिकेशन आपको मिल जाएगा आपका सेट पॉइंट अचीव हो गया है। अब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, तो सबसे पहले मैनुअल को थोड़ा सा रिफर करना पड़ेगा उसके लिए। तो साथ में ये मैनुअल आपको साथ में मिलेगा जिसके अंदर STW961C और 721C, यानी कि 2 साइज़ में अवेलेबल रहता है। स्वस्तिक का ये जो मॉडल है वो आपको 2 साइज़ में मिल जाएगा, जिसके अंदर 7272 साइज़ और 9696 साइज़ अवेलेबल है उसके अंदर। तो उसके अंदर 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैक्सिमम 5 डिजिट का आपको काउंटर मिल जाएगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 डिजिट होता है। तो साइज़ के हिसाब से आपको, डिजिट के हिसाब से भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 3 डिजिट 4 डिजिट या तो फिर 5 डिजिट, 96 साइज़ या तो फिर 72 साइज़। तो ऐसे जो मॉडल नंबर बनेगा यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, 5D है यानी कि 5 डिजिट है, 4D आएगा यानी कि 4 डिजिट आएगा, 3D है यानी कि 3 डिजिट आएगा। तो यहाँ से आपको मॉडल नंबर पता चल जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूँ तो मैनुअल के अंदर प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, 3 लेवल का प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले आपको मैनुअल का सेटिंग कैसे करना है उसके लिए आपको दिया हुआ है कि मैनुअल रिसेट सेटिंग। तो सबसे पहले उसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सेट रिसेट की तो 5 सेकंड प्रेस करके रखना है। तो ये 5 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे T- यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम डालना है। अगर यहाँ पे टाइम आपने 0 कर दिया तो ये मैनुअल मोड सेट हो जाएगा आपका, यानी कि आपको मैनुअली आपको उसको रिसेट करना पड़ेगा। अगर टाइम के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाला हुआ है वो ऑटो मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो रिसेट का सेटिंग, तो वही यहाँ पे अगर टाइम 0-0 है तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे आपका वो ऑटो रिसेट में सेट हो जाएगा। सेम चीज़ आपको ओवरफ्लो काउंट का जो सेटिंग करना है उसका भी यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है। तो ओवरफ्लो काउंट के लिए सबसे पहले मैनुअल मोड होना ज़रूरी है,
ऑटो मोड में आपका ओवरफ्लो क्लाउड का पैरामीटर यूज़ नहीं होता है, तो कंपलसरी आपको मैनुअल मोड में ही सेट करना होता है। ओवरफ्लो का मीनिंग यह है कि अगर आपका सेट पॉइंट अचीव हो जाता है उसके बाद अगर कोई पल्स आती है तो उसको कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो आपको यहाँ पे यस आपको सेट करना है 102, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे 101 ओवरफ्लो नो सेट करना है। तो ऐसे ही उसका पैरामीटर आपको सेट करना होता है। यहाँ पे पावर बंद करने के बाद रिसेट का बटन प्रेस करके रखोगे और पावर ऑन करोगे, पीजीएम का पैरामीटर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक बार आपको सेट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 1 1 ये आपका हो जाएगा ओवरफ्लो नो। अगर यहाँ पे आप 2 करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओवरफ्लो यस। तो अभी हम लोग ओवरफ्लो नो करेंगे और उसके बाद रिसेट का बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये आपका कंट्रोलर हो गया सेट ओवरफ्लो नो के अंदर। अभी यहाँ पे डाला हुआ सेट पॉइंट एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, ये 10 का सेट पॉइंट मैंने सेट कर दिया। अभी ये अप्रॉक्सीमेटली पल्स देंगे यहाँ पे, ये पल्स दिया 10 के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रही है, यानी कि हम लोगों ने ओवरफ्लो बंद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी टाइमिंग आपका नहीं मिलेगा, काउंटिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। नए से साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपको कंपलसरी रिसेट का बटन प्रेस करना है। सेम चीज़ मैं आपको ओवरफ्लो यस करके भी बताऊँगा। रिसेट का बटन दबा के रखो और यहाँ पे पीजीएम आ जाएगा। यहाँ पे मैं 101 कर देता हूँ, ये ओवरफ्लो यस सेट कर दिया और ये मैंने सेट पॉइंट डाल दिया 10 नंबर और उसको एक बार मैंने रिसेट कर दिया। अभी पल्स दे के आप देखोगे तो अभी ओवरफ्लो काउंट भी वो ले लेगा। अब देख रहे हो 10 आ गया, उसके बाद भी ये काउंटिंग ले रहा है, यानी कि अभी ओवरफ्लो यस है। तो आपका सेट पॉइंट अचीव होने के बाद भी यह काउंटिंग ले रहा है, यानी कि ओवरफ्लो का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर पैरामीटर दिया हुआ है। अगर आपको ऑटो मोड में डालना है तो यहाँ से आप ऑटो मोड में भी डाल सकते हो, कैसे ऐसे कि ये 10 मैंने डाला हुआ है, यानी कि 1 सेकंड का ऑटो ट्यून का सेट हो गया है। ये अभी आप देखोगे यहाँ पे तो रिले बंद होके चालू हो जाएगी, यहाँ पे 1 सेकंड रिले ऑन हो गई, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी। ये आप देख रहे हो रिले ऑन ऑफ हो रही है और साथ में ये रिसेट भी हो रहा है, ये रिसेट। तो इस हिसाब से आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो और वायरिंग कर सकते हो। अगर इसका मैनुअल आपके पास नहीं है तो आप कंपनी की जो वेबसाइट है www.katoniswastikinstrument.com, इसके अंदर जाके डाउनलोड में ऑप्शन के अंदर आपको मैनुअल इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर मैनुअल मोड के अंदर आप मॉडल नंबर आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ से आपको मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा और मैनुअल के रेफरेंस से आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अदरवाइज ये चैनल के थ्रू आप यह वीडियो देख के भी आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसको वायरिंग कर सकते हो। धन्यवाद।